हाँ जी, तो अगर आप लोग DSU में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो में हम लोग उसकी लेटेस्ट अपडेट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो आप लोग को पता होगा जो इनकी फर्स्ट राउंड है वो उसकी जो डेट वगैरह है, शेड्यूल है, पूरी काउंसलिंग की सारी इन्होंने रिलीज कर दी है। एंड अगर हम लोग बात करें जो आपकी फर्स्ट राउंड होगी, जो फर्स्ट सीट अलॉटमेंट होगी वो 1 नवंबर को आएगी, तो आप लोग 1 नवंबर का वेट कर सकते हो। मे बी उस दिन ये फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिलीज कर दे। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करें, नेक्स्ट जो इनकी चॉइस फिलिंग में थी, जो इनकी कोर्स है BSc है, BBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इन्होंने लास्ट ईयर ही उसे स्टार्ट की थी, तो अभी वो कोर्स आपको चॉइस फिलिंग में नहीं मिलेगी एंड इन्होंने उसे रिमूव कर दिया है। तो अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने यही नोटिस में भी दी थी कि आपकी जो BSc हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर BBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो कि ओखला कैंपस में होती थी, अब उसे रिमूव कर दिया गया। तो अब आप लोग इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। मे बी जितने अदर जो कोर्सेस हैं लाइक BBA के, जो भी अदर स्पेशलाइजेशन है BSc की एंड BBA की, उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो, उस सबको आप लोग चॉइस में फिल कर सकते हो। एंड जो आपकी चॉइस फिलिंग थी वो भी क्लोज हो गई है। एंड अब आप लोग नेक्स्ट इनकी डायरेक्ट फर्स्ट राउंड की वेट कर सकते हो। एंड जैसे ही फर्स्ट राउंड के रिलेटेड कोई और न्यू अपडेट मिलती है तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी आप लोगों के 1 नवंबर का जो इन्होंने टेंटेटिव दे रखे हैं उस दिन ये रिलीज कर देंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो एंड चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो।